हेलो दोस्तों, तो चलिए इस लेक्चर में बात करते हैं हम लोग UPPCS प्रीलिम्स परीक्षा 2014 का सामान्य अध्ययन पेपर फर्स्ट। इससे पहले आपको बता दें कि UPPCS का नया पैटर्न और नया सिलेबस और 2012 का प्रारंभिक परीक्षा का और 2013 का प्रारंभिक परीक्षा का पेपर हम लोग पिछले लेक्चरों में देख चुके हैं। इस लेक्चर में बात करते हैं हम लोग 2014 के पेपर की। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है? तो याद रखिए, यह 81 ईस्वी सन। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा की अभिलेख तिथि 81 ईस्वी सन है। यह अभिलेख बौद्ध धर्म की तत्कालीन व्यवस्था से जुड़े तथ्यों पर प्रकाश डालता है। इस बौद्ध प्रतिमा का अभिलेख का मथुरा से लाकर कनिष्क के राज्यारोहण 78 ईस्वी सन के तीसरे सारनाथ स्थापित किया गया। सारनाथ में स्थापित किया गया। कनिष्क के पुरस्पुर पेशावर को अपनी राजधानी बनाई थी। इसके राज्य की दूसरी राजधानी मथुरा थी। पहली राजधानी थी फिरोजपुर पेशावर और दूसरी मथुरा। अब दूसरा क्वेश्चन है हमारा, बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था? तो ये थे रुद्रदामन पिथम। डी ऑप्शन सही है। रुद्र पिथम ने बिना कर लगाए सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था। उसने इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु निजी धन देकर एक उत्कृष्ट शासक के कर्तव्यों का निर्वाह किया। सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। इसका जीर्णोद्धार अशोक ने भी करवाया था। अब हमारा तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन, 1306 ईस्वी सन के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच सीमा क्या थी? तो याद रखिए, सिंधु। सी ऑप्शन सही है। अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच सीमा सिंधु नदी थी। उल्लेखनीय है कि अलाउद्दीन के काल में मंगोलों के सर्वाधिक आक्रमण दिल्ली सल्तनत पर किए गए, किंतु उन्होंने दिल्ली सल्तनत की सीमा के बाहर ही रोक दिया गया है। अगला हमारा चौथा क्वेश्चन है, कौन सूफी संत महबूब ए इलाही कहलाता है? तो याद रखिए, डी ऑप्शन सही है, शेख नजामुद्दीन औलिया। इसकी व्याख्या देखते हैं। सूफी संत शेख नजामुद्दीन औलिया महबूब ए इलाही कहलाते हैं। बाबा फरीद के शिष्य ख्वाजा नजामुद्दीन औलिया ने औलिया नामक एक स्वतंत्र संप्रदाय बनाया था जिसका केंद्र बदायूं था। प्रसिद्ध फारसी कवि अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के ही शिष्य थे। उन्होंने दिल्ली सल्तनत काल में 7 सुल्तानों का काल देखा। हनोज दिल्ली दूरस्थ, यह कथन सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक के लिए शेख निजामुद्दीन औलिया द्वारा ही उद्धृत है। दिल्ली अभी दूर है, इसका मतलब यही हो। पांचवा क्वेश्चन है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? तो याद रखिए, ख्वाजा उस्मान हरूनी। इसकी व्याख्या देखते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ख्वाजा उस्मान हरूनी के शिष्य थे। शेख निजामुद्दीन औलिया के धार्मिक विचारों द्वारा भारत में चिश्ती शाखा का अत्यधिक प्रचार हुआ। उन्होंने लोगों को ईश्वरीय प्रेम की प्रेरणा दी एवं उनके सांसारिक व्यापार से छुटकारा दिलाने में सहायता प्रदान की। इन्हें सुल्तान उल औलिया संतों का राजा भी कहा जाता है। छठवां क्वेश्चन है हमारा, अबुल फजल द्वारा अकबर नामा पूरा किया गया था? तो याद रखिए, 7 वर्षों में। इसकी व्याख्या की बात करें तो अकबर नामा अकबर के नवरत्नों में से एक अबुल फजल
द्वारा 1590 ईस्वी से 1596 ईस्वी के बीच 7 वर्षों में लिखा गया था। यह पुस्तक अकबर के काल की घटनाओं के वर्णन से संबंधित है। 7वां क्वेश्चन है, दस्तार बंदान कौन कहलाते हैं? तो याद रखिए उलेमा, डी ऑप्शन सही है। दस्तार बंदान उलेमा कहलाते हैं। उलेमा सल्तनत काल में मुस्लिम धार्मिक गुरु थे जिनका कार्य मुस्लिम कानूनों की विवेचना करना था। इसके बाद भी उलमाओं की अति सक्रियता और बेवजह सुल्तान पर मुस्लिम कानून के अनुपालन की प्रवृत्ति को अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक जैसे शासकों ने नियंत्रित करते हुए उनके अनावश्यक हस्तक्षेप को रोकने का प्रयास किया। 8वां क्वेश्चन है हमारा, औरंगजेब ने किसको शाहीवाद उज जमानी की उपाधि प्रदान की थी? तो याद रखिए सी ऑप्शन सही है, जहां आरा। औरंगजेब ने जहां आरा को शाहीवाद उज जमानी की उपाधि प्रदान की थी। जहां आरा बेगम सम्राट शाहजहां और महारानी मुमताज महल की सबसे बड़ी बेटी थी। वह अपने पिता के उत्तराधिकारी और छठे मुगल सम्राट औरंगजेब की बड़ी बहन थी। 9वां क्वेश्चन है हमारा, बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर था? तो याद रखिए सर एंडीज फेजर। बंगाल विभाजन 1905-6 के समय बंगाल का गवर्नर लेफ्टिनेंट सर एंड्रयूज फ्रेजर थे तथा भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन थे। कर्जन के भारत विरोधी कार्यों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य था बंगाल का विभाजन। इसने राष्ट्रीय आंदोलन को दबाने व कमजोर करने के उद्देश्य से प्रशासनिक असुविधाओं का आरोप लगाकर 2 भागों में बांटा बंगाल को। इस कार्य के द्वारा हिंदू और मुसलमानों में मतभेद पैदा कर अपनी फूट डालो और राज करो की नीति का कर्जन ने क्रियान्वयन करने का संपूर्ण प्रयास किया। 10वां क्वेश्चन है हमारा, ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविसन जुड़े थे? तो याद रखिए स्वदेशी आंदोलन से, सी ऑप्शन सही है। ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविसन का संबंध स्वदेशी आंदोलन से था। स्वदेशी आंदोलन 1905 में प्रारंभ हुआ और जबकि वेब मिलर सविनय अवज्ञा आंदोलन से जुड़े थे। 11वां क्वेश्चन है हमारा, महात्मा गांधी के साथ निम्न मुसलमानों में से किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी? तो ए ऑप्शन शौकत अली ने। महात्मा गांधी के साथ शौकत अली ने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु असहयोग आंदोलन के प्रारंभ की तिथि 1 अगस्त 1920 को हो गई। 12वां क्वेश्चन है हमारा, इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक थे? तो याद रखिए मनसुखलाल नजर। इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका के प्रथम संपादक मनसुखलाल नजर थे। इस पत्रिका का प्रकाशन गांधी के दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान किया गया था। अब बात करते हैं हम 13वां क्वेश्चन, दादा भाई नौरोजी के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? याद रखिए असत्य कथन पूछ रहा है। तो वह पहले भारतीय थे जो एल्फिंस्टन कॉलेज बम्बई में गणित एवं भौतिकी के प्रोफेसर नियुक्त किए गए। तो ये सही है, 1892 में उन्हें ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक सदस्य निर्वाचित किया गया था। ए भी सही है, बी भी सही है। उन्होंने एक गुजराती पत्रिका रक्त गुफार का आरंभ किया। तो याद रखिए सी भी सही है। उन्होंने 4 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की। तो ये गलत है, असत्य है, ठीक, डी ऑप्शन है इसमें। दादा भाई नौरोजी पहले भारतीय थे जो एल्फिंस्टन कॉलेज बम्बई में गणित भौतिकी के प्रोफेसर नियुक्त हुए। 1892 में ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य निर्वाचित हुए। उन्होंने एक गुजराती पत्रिका रक्त गुफार का आरंभ किया लेकिन वे कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर 4 बार नहीं बल्कि 3 बार अध्यक्ष नियुक्त किए हुए थे। याद रखिए 3 बार हुए थे। अब है अपना 14वां क्वेश्चन है, भारत
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था तो याद रखिए अमृतसर अधिवेशन। बाल गंगाधर तिलक ने 1919 में अमृतसर अधिवेशन के बाद किसी भी राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में भाग नहीं लिया। तिलक की मृत्यु 1920 को हो गई। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1917 की अध्यक्षता श्रीमती एनी बेसेंट ने की। प्रथम महिला अध्यक्ष विदेशी थे। भारत कांग्रेस के 1907 सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर रास बिहारी घोष ने की थी। इसमें ही कांग्रेस का विभाजन हुआ था और कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1906 में की अध्यक्षता जो अधिवेशन अध्यक्षता की थी कोलकाता में हुआ था 1906 में दादा भाई नौरियो जी ने, जिसमें स्वराज का पहली बार उल्लेख हुआ था। चलिए अब बात करते हैं हम लोग, 15वां क्वेश्चन है हमारा। महात्मा गांधी ने अपनी निम्न पुस्तकों में से किस में ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और वेश्या कहा था? तो याद रखिए हिंद स्वराज, सी ऑप्शन है। महात्मा गांधी हिंद ने हिंद स्वराज पुस्तक में ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ एवं वेश्या कहा था। अब बात करते हैं हम लोग 16वें क्वेश्चन की। जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य सौंपा गया था? तो याद रखिए महात्मा गांधी को, बी ऑप्शन सही है। अब हमारा 17वां क्वेश्चन है। 17वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो याद रखिए यहाँ पूछ रहा है सही सम्मिलित नहीं है, तो एस सी बॉस इंडियन स्ट्रगल ये सही है, दादा भाई नौरोजी पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया ये भी सही है, राजेंद्र प्रसाद इंडिया डिवाइड ये भी सही है, डी ऑप्शन है इसमें, ठीक है डी ऑप्शन गलत है। फ्रैंक मॉरिस इंडियन इंडिया फॉर्म कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर, तो याद रखिए इसकी व्याख्या देखते हैं हम लोग, डी ऑप्शन है इसमें, इंडिया फॉर्म कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर नामक पुस्तक के लेखक दुर्गा प्रसाद हैं। अन्य सभी विकल्प सही सम्मिलित हैं, मतलब ए बी सी सही है, डी ऑप्शन गलत है। अब बात करते हैं हम लोग 18वें क्वेश्चन की। विजय तिलक की सजा के पश्चात निम्नलिखित में से किसने दया की वकालत की थी? और कहा था कि संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है, तो याद रखिए ये थे मैक्स मूलर, बी ऑप्शन सही। संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक ने दिलचस्पी है, यह कथन था मैक्स मूलर का। अब बात करते हैं 19वां क्वेश्चन हम लोग, कौन सा 19वां। कांग्रेस मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वराज शब्द का व्यक्त किया गया था पहली बार? तो याद रखिए था कलकत्ता अधिवेशन 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का उपयोग किया गया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी जी ने की थी। अब 20वां क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कूट से इस घटनाओं का सही कालानुक्रम पता कीजिए। तो याद रखिए इसमें ए ऑप्शन सही है, मतलब पहले एक अधिनियम के रूप में रोलेक्ट एक्ट विधेयक का पास होना पहले ये हुआ, फिर जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ, फिर अपना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अमृतसर अधिवेशन 1919, फिर है बीजी तिलक का निधन। चलिए अब इनकी व्याख्या देख लेते हैं। एक अधिनियम के रूप में रॉलेक्ट विधेयक का पास होना फरवरी 1919 में, जलियांवाला बाग नरसंहार ये 13 अप्रैल 1919 को, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अमृतसर अधिवेशन 1919 ये 12 नवंबर 1919 को, और बीजी तिलक की निधन हुआ था 1 अगस्त 1920 को। अब 21 हमारा क्वेश्चन,
अपनी फांसी से पूर्व निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से एक ने पीने हेतु दिए गए दूध को अस्वीकार कर दिया और कहा, अब मैं केवल अपनी माँ का दूध लूँगा। तो याद रखिए, ये थे राम प्रसाद बिस्मिल, अब मैं केवल अपनी माँ का दूध लूँगा। यह कथन राम प्रसाद बिस्मिल का था, जिन्होंने फांसी से पूर्व यही कहते हुए दूध पीने से इनकार कर दिया था। उन्हें गोरखपुर जेल में फांसी दी गई थी। अब है अपना 22वां क्वेश्चन है, निम्न में से किसने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को संतावना पुरस्कार कहा था? तो याद रखिए, ये थे एलन कैंपबेल जॉनसन। गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को संतावना पुरस्कार एलन कैंपबेल जॉनसन ने कहा, वह अमेरिकी पत्रकार थे। चलिए अब हमारा है 23वां क्वेश्चन, सूची एक को सूची दो से सम्मिलित करना है, सूची एक ए, सूची दो ए। तो याद रखिए, इसमें ए ऑप्शन सही है। विनोबा भावे, याद रखिए ये व्यक्तिगत सत्याग्रह से जुड़ने वाले पहले व्यक्ति थे। बीजे तिलक, ये होम रूल से संबंधित। अरुणा असफ अली, तो ये थे भारत छोड़ो आंदोलन। और सरोजिनी नायडू, धरसना रेड। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं 23वाले क्वेश्चन की। विनोबा भावे व्यक्तिक सत्याग्रह, बीजे तिलक होम रूल्स आंदोलन, अरुणा असफ अली भारत छोड़ो आंदोलन, सरोजिनी नायडू वर्साना रेड। अगली बात करते हैं 24वां क्वेश्चन, काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था? तो याद रखिए, था गोविंद वल्लभ पंत, यानी बी ऑप्शन सही। 9 अगस्त 1925 को रेलगाड़ी से सरकारी खजाना सहारनपुर से लखनऊ की ओर जा रहा था, जिसे काकोरी नामक स्थान पर लूट लिया गया था। इसे ही काकोरी कांड कहा गया। काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव के लिए गोविंद वल्लभ पंत की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई। बचाव समिति के अन्य सदस्यों में चंद्रभान गुप्त, मोहनलाल सक्सेना, अजीत प्रसाद जैन, कृपा शंकर हजेला आदि प्रमुख थे। अब हमारा 25वां क्वेश्चन है, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक थे? तो याद रखिए, रफीक जकारिया, सी ऑप्शन सही है। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक रफीक जकारिया थे, जबकि अबुल कलाम आज़ाद ने इंडिया डिफेंस फ्रीडम, राजेंद्र प्रसाद ने इंडिया डिवाइडेड, एल कॉलिंस एवं डी नेपियर ने फ्रीडम एट मिडनाइट नामक पुस्तक लिखी। 26वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 को महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा माना? तो याद रखिए, थे एस सी बोस। सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन को महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा माना। 27वां क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसने 1947 के कांग्रेस कमेटी की बैठक द्वारा विभाजन के प्रस्ताव के पारित होने को राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण के रूप में लिया? तो याद रखिए, डॉक्टर किचलू 1947 के कांग्रेस कमेटी की बैठक द्वारा विभाजन के प्रस्ताव को पारित होने को राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण कहा। 28वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित नहीं है? याद रखिए, नहीं है पूछ रहा है। भगत सिंह, तो द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, ये सही है। सचिंद्र नाथ सन्याल, ये बंदी जीवन। और फिर है अपना लाला राम शरण दास, द ड्रीम लैंड। भगवती चरण बोहरा, द फिलोसफी ऑफ बम। तो याद रखिए, पहला इसमें गलत है, ये ऑप्शन गलत है। भगत सिंह द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट से संबंधित नहीं थे, बाकी बी सी डी सही है। इसमें इसकी व्याख्या देख लेते हैं, उसमें अच्छे से पता चल जाएगा।
तो याद रखिए, द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट 1905 में लेखक श्याम जी कृष्ण वर्मा हैं, जबकि भगत सिंह विराई आई एम एन एथिस्ट लिखा है। 29वां क्वेश्चन हमारा, नई दिल्ली में 1947 में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में निम्नलिखित में से किसने विभाजन के प्रस्ताव का समर्थन किया था? तो याद रखिए, यह अबुल कलाम आज़ाद। नई दिल्ली में 1947 में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में अबुल कलाम आज़ाद ने विभाजन के प्रस्ताव को समर्थन किया। विभाजन प्रस्ताव को 14 जून 1947 के कांग्रेस समिति की बैठक में गोविंद बल्लभ पंत ने पेश किया था। 30वां क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को राजकीय स्वीकृति प्राप्त हुई? तो याद रखिए, 18 जुलाई 1947 को। ए ऑप्शन सही है। भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को राजकीय अर्थात क्राउन की स्वीकृति 18 जुलाई 1947 को प्राप्त हुई। ज्ञात हो कि तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री इटली ने भारत छोड़ने की घोषणा 20 फरवरी को की थी। चलिए अब हम बात करते हैं 31वां क्वेश्चन हमारा, इस बार हिस्ट्री से अच्छे क्वेश्चन आए हुए थे, 30 के करीब। अब है 31वां हमारा क्वेश्चन, सूची एक को सूची दो से सम्मिलित करना है। सूची एक में जनजाति हैं और सूची दो में है हमारे क्षेत्र। तो याद रखिए, इसमें ए ऑप्शन सही है। बीरहोर ये झारखंड से संबंधित है और भूटिया ये अपनी सिक्किम। टोटा याद रखिए यह तमिलनाडु और अंडमान निकोबार में है, सेंटिनेलीज। तो डी का ऑप्शन ए सही है। अब बात करते हैं हम इसकी व्याख्या की थी, बीरहोर है झारखंड में, भूटिया है सिक्किम, टोडा है तमिलनाडु, सेंटिनेलीज है अंडमान निकोबार। अब 32वां क्वेश्चन देखते हैं, कथन ए, एक कथन ए है और कारण ए, कारण आर, भारत के पश्चिमी घाट की नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। फिर कारण आर है, वे छोटे प्रवाह क्षेत्रों एवं अपेक्षाकृत कठोर चट्टानों प्रभावित होती हैं। तो इसके इसमें ए ऑप्शन सही है, मतलब ए और आर दोनों सही हैं, तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम लोग, भारत के पश्चिमी घाट की नदियां डेल्टा नहीं बनाती हैं, याद रखिए, क्योंकि ये वे ऊंचाई से समुद्र में गिरती हैं प्रपात की तरह, जिसका डेल्टा निर्माण के लिए इन्हें उपयुक्त स्थल नहीं मिलता। दूसरे इनका प्रवाह मार्ग छोटा होता है और अपेक्षाकृत कठोर चट्टानों पर प्रवाहित होने से अपरदान द्वारा प्राप्त मलबा डेल्टा निर्माण की आवश्यकता से कम होता है। अथा कथन और कारण दोनों सत्य हैं और कारण आर कथन एक ही व्याख्या सही करता है। अब 33वां क्वेश्चन है हमारा, रेड क्लिफ लाइन सीमा निर्धारित करती है? तो याद रखिए, भारत पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ लाइन है, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच है 39 डिग्री, अमेरिका और कनाडा के बीच है 49 डिग्री, भारत और चीन के बीच है मैकमोहन लाइन। 34वां क्वेश्चन है हमारा, दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से निम्नलिखित में से कौन सा अपवाह तंत्र रखती हैं? तो याद रखिए, वैक्षणोमा, सी ऑप्शन सही है। दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से वैक्षणोमा अपवाह तंत्र रखती हैं। वैक्षणोमा नुमा प्रवाह को पादपाकार प्रतिरूप भी कहा जाता है। इस प्रारूप का विकास प्रमुख रूप से ग्रेनाइट सेल वाले चौड़े तथा सपाट विस्तृत भाग पर होता है। यह देखने में वृक्ष के तने तथा शाखाओं के समान लगती है। 35वां क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा बाग बड़ा संघ राज्य क्षेत्र है? तो याद रखिए, यह दिल्ली। भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली है। इसका क्षेत्रफल 1483 वर्ग किलोमीटर है। अब बात करते हैं हम लोग 36वें क्वेश्चन की,
हमारा 36वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है? तो याद रखिए, अभ्यक चूना पत्थर पाया जाता है, बॉक्साइट जिप्सम उत्तर प्रदेश में पाया जाता है, अभ्यक नहीं पाया जाता है, बी ऑप्शन सही है इसमें। ठीक है, अभ्यक उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है जबकि अन्य खनिज इस प्रदेश में पाए जाते हैं। उल्लेखनीय है उत्तर प्रदेश खनिज संसाधन की दृष्टि से समृद्ध नहीं है। अब 37 क्वेश्चन है, विश्व में निम्नलिखित देशों का कुल रेलवे लंबाई की दृष्टि से सही अवरोही क्रम है? तो याद रखिए डी ऑप्शन सही है इसमें, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, भारत, जर्मनी। क्या क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका, उसके बाद कनाडा, भारत, जर्मनी। इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम लोग 37वें क्वेश्चन की। संयुक्त राज्य अमेरिका का इसका है 228,218 वर्ग किलोमीटर, फिर है भारत 64,460 वर्ग किलोमीटर, कनाडा 52,002 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर, जर्मनी 33,509 वर्ग किलोमीटर। अब बात करते हैं 38वें क्वेश्चन, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या एक जोड़ता है? तो याद रखिए इलाहाबाद को हल्दिया से, ए ऑप्शन सही है। इसकी व्याख्या देखते हैं, हल्दिया से इलाहाबाद जल मार्ग को 22 अक्टूबर 1986 को राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एक घोषित किया गया। उसकी लंबाई 1620 किलोमीटर है। राष्ट्रीय जलमार्ग दो सादिया से धुबरी तक है। 1 सितंबर 1988 को इस राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया था। इसकी कुल लंबाई है 891 किलोमीटर। राष्ट्रीय जलमार्ग तीन कोल्लम से कुट्टापुरम तक 205 किलोमीटर लंबा है। 1 फरवरी 1988 को इसे राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया था। राष्ट्रीय जलमार्ग चार काकीनाडा से मटकानम तक 1095 किलोमीटर लंबा है। इसकी घोषणा 2008 को हुई। राष्ट्रीय जलमार्ग पाँच तलचर से धामरा तक है, 623 किलोमीटर है इसकी लंबाई। इसकी घोषणा 24 नवंबर 2008 को हुआ। राष्ट्रीय जलमार्ग छः लखीमपुर से भंगा तक 121 किलोमीटर है इसकी लंबाई। हमारा क्वेश्चन नंबर है 39। तो निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण घास के मैदान यूरेशिया में पाए जाते हैं? तो याद रखिए स्टेफीज, विश्व के प्रमुख शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान इस प्रकार हैं, फेरी संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, पंपास अर्जेंटीना, वेल्ड है दक्षिण अफ्रीका, डाउन्स है ऑस्ट्रेलिया, स्टेफी है एशिया, रूस चीन के मंचूरिया में। अब हमारा 140वां क्वेश्चन है, ठीक, एक सौ चालीसवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है? तो याद रखिए समुद्र, ए ऑप्शन सही है। पृथ्वी पर लगभग 71% भाग पर जलमंडल है, अर्थात समुद्रों का विस्तार होने के कारण यही विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है। अब हमारा 41वां क्वेश्चन है, वायुदाब सबसे कम होता है? तो याद रखिए ग्रीष्म ऋतु में, डी ऑप्शन सही। ग्रीष्म ऋतु में सूर्य की किरणें लगभग सीधी पड़ती हैं जिससे हवाएं गर्म होकर ऊपर उठती हैं, इससे निम्न वायु दाब का निर्माण होता है। वस्तुतः तापमान और वायु दाब में प्रतिलोम संबंध होता है। तो याद रखिए तापमान और वायु दाब में प्रतिलोम संबंध होता है। अगला है हमारा 42वां क्वेश्चन, सूची एक को सूची दो से सम्मिलित करना है। ये सूची एक है अपने, ये सूची दो है, ठीक है, तो इसमें बी ऑप्शन सही है। बेली बेली ये ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, हरिकेन है ये संयुक्त राज्य अमेरिका, और टाइफून है ये चीन, और वागियो है फिलीपींस। ये इसकी व्याख्या है, बिली बिली है ये ऑस्ट्रेलिया, हरिकेन संयुक्त राज्य अमेरिका, टाइफून चीन, वागियो फिलीपींस। 43वां क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन ने एक व्यस्त
उत्तम समुद्रिक व्यापार मार्ग है? तो याद रखिए उत्तरी अटलांटिक, डी ऑप्शन सही है। उत्तर अटलांटिक विश्व का व्यस्ततम समुद्रिक व्यापार व्यापारिक मार्ग है। यह यूरोप अमेरिका के मध्य व्यापार का एक प्रमुख मार्ग माध्यम है। 44वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक देश बहुत महत्वपूर्ण यूरेनियम अयस्क निक्षेप के लिए जाना जाता है? तो याद रखिए कनाडा, ए ऑप्शन सही है। विकल्प में दिए गए देशों में सर्वाधिक यूरेनियम अयस्क निक्षेप कनाडा में पाया जाता है, जबकि उत्पादन में प्रथम स्थान पर कजाकिस्तान का है। अब बात करते हैं हम लोग 45वें क्वेश्चन, जापान लगभग आत्मनिर्भर है? तो याद रखिए तांबा में, सी ऑप्शन सही है। जापान खनिज संसाधन की दृष्टि से समृद्ध राष्ट्र नहीं है, याद रखिए। यद्यपि तांबा की उपलब्धता के संदर्भ में जापान सीमित मात्रा में आत्मनिर्भर है, इस देश में अपतटीय और समुद्री क्षेत्रों में खनिज तेल की भी कुछ मात्रा में पाया जाता है। जापान के लोहे का निर्यात भारत द्वारा बेलाडीला खानों से किया जाता है। 46वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक दक्षिण एशिया का सर्वाधिक नागरिक देश है? तो याद रखिए पाकिस्तान है। दक्षिण एशिया में सर्वाधिक नागरिक देशों में किए गए विकल्पों में से पाकिस्तान है, जिसकी नागरिकरण प्रतिशतता लगभग 36 है, जबकि अन्य देशों का क्रम है इस प्रकार, भारत की 31.2%, भूटान की 35%, श्रीलंका की 15%। 47वां क्वेश्चन है हमारा, 47वां क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में उच्चतम लिंग अनुपात है? तो याद रखिए तमिलनाडु में। 2011 की अंतिम आंकड़ों के अनुसार उच्चतम लिंग अनुपात केरल, उसके बाद तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मणिपुर, छत्तीसगढ़ है। केरल नहीं होने के कारण ऑप्शनों में तमिलनाडु दूसरे नंबर पर है, इसलिए ए ऑप्शन सही है। 48वां क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो याद रखिए गाजियाबाद, सी ऑप्शन सही। उत्तर प्रदेश की 2011 की जनगणना अनुसार अत्यधिक जनघनत्व वाला जिला है गाजियाबाद, 39-71। इसके बाद अवरोही क्रम में वाराणसी, लखनऊ, भदोही, कानपुर नगर आदि आते हैं। अब बात करते हैं 49वां क्वेश्चन, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें शिशु जनसंख्या का प्रतिशत भाग ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम है? तो याद रखिए केरल है, बी ऑप्शन सी। भारत की जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार केरल में शिशु जनसंख्या का प्रतिशत भाग ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम है। विकल्प में दिए गए राज्यों का विवरण है, केरल में 10.4%, पंजाब में 11.2%, हरियाणा में 13.2%, जम्मू कश्मीर में 17.5%। अब हमारा है 50वां क्वेश्चन, संविधान सभा के संविधानिक सलाहकार थे? तो याद रखिए बी एन राव, सी ऑप्शन सही है। संविधान के संविधानिक सलाहकार बी एन राव थे। कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान की निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में किया गया। अब बात करते हैं निम्नलिखित में कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे? तो 51 क्वेश्चन है हमारा, तो याद रखिए नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर चयन करना है, तो इसमें 1 और 3, सी ऑप्शन सही है। 1-3 मतलब इसमें थे एन गोपाल गोपाला स्वामी और फिर दे अपले अल्लादि कृष्णा स्वामी अय्यर, जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, सरदार पटेल भी नहीं थे। इसकी व्याख्या देख लेते हैं, उसमें आप लोगों को अच्छे से पता चल जाएगा। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, तो याद रखिए अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या 7 थी, जो इस प्रकार है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, फिर हैं एन गोपालास्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, कन्हैया लाल, मणिकलाल मंसी, एन माधव राव, सैयद मोहम्मद सदुद्दुल्ला एवं डी पी खेतान थे।
52वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है? याद रखिए नहीं है, तो याद रखिए इसमें बी ऑप्शन सही है, योजना आयोग नहीं है। वित्त आयोग है, लोक सेवा आयोग है, चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है, योजना आयोग नहीं है। इसकी व्याख्या देखते हैं। भारत ने योजना आयोग के संबंध में कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है। 15 मार्च 1950 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पारित प्रस्ताव के द्वारा योजना आयोग की स्थापना की गई। योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। वर्तमान में योजना आयोग का समाप्त कर दिया गया। नीति आयोग 1 जनवरी 2015 में आ गई। योजना आयोग को स्थापित करके नीति आयोग 1 जनवरी 2015 में आ गया। अब है 53वां क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देश करता है? तो याद रखिए यह 40 अनुच्छेद बी ऑप्शन से। राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत के अनुसार अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के संगठन का उल्लेख है। नीति निर्देशक सिद्धांत न्यायालय में बाध्य नहीं है। अब हमारा 54वां क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व सूचना आवश्यक है? तो याद रखिए बी ऑप्शन 14 दिन। कौन सा? बी ऑप्शन है 14 दिन। राष्ट्रपति द्वारा संविधान के प्रावधानों के उल्लंघन पर संसद के किसी भी सदन द्वारा उस पर महाभियोग लगाया जा सकता है, परंतु इसके लिए आवश्यक है कि राष्ट्रपति को 14 दिन पहले लिखित सूचना दी जाए जिस पर उस सदन में 1/3 सदस्यों के हस्ताक्षर हों। अब हमारा है 55वां क्वेश्चन, 54वां देख लिया। भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को कौन मनोनीत करता है? तो याद रखिए लोकसभा अध्यक्ष, ये ऑप्शन सही है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को लोकसभा का अध्यक्ष मनोनीत करता है। समिति में 22 सदस्य होते हैं जिसमें 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। यह समिति भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा लेखा परीक्षण संबंधी वित्तीय वेदनों की जांच की जाती है। बात करते हैं हम लोग 56वें क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से राज्यसभा के विषय में कौन सही है? याद रखिए सही है पूछा है, मतलब सही 1/3, यह भंग नहीं की जा सकती है, ये सही है, और इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, ये गलत है, ठीक है, और प्रत्येक 2 वर्ष बाद इसके 1/3 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है, ये भी सही है। इसके सदस्य 25 वर्ष से कम आयु की के नहीं होते हैं, ये गलत है, ठीक है, 2 और 4 गलत है, 1/3 सही है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होती। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। प्रत्येक 2 वर्ष के उपरांत 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। राज्यसभा के सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। अब बात करते हैं 57 क्वेश्चन की, भारत की संसद में होते हैं तो याद रखिए इसमें ए ऑप्शन सही है, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, उपराष्ट्रपति नहीं होता है। अनुच्छेद 79 के अनुसार भारत की संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा से मिलकर बनती है। सदन के निम्न सदन को लोकसभा और उच्च सदन को राज्यसभा कहा जाता है। उपराष्ट्रपति इसमें शामिल नहीं किया जाता है। 58 क्वेश्चन की बात करें हम, राष्ट्रपति अंग्ल भारतीय समुदाय से कितने सदस्यों को नामित कर सकता है? यदि वह इस राय का है कि लोकसभा में इस समुदाय की पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, तो याद रखिए ये ऑप्शन सही है, 2। संविधान के अनुच्छेद 331 के अनुसार राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह आंग्ल भारतीय समुदाय के अधिक से अधिक 2 सदस्यों को लोकसभा में नियुक्त कर सकता है यदि उसकी राय में लोकसभा में समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। अब बात करते हैं 59वें क्वेश्चन की, तो निम्नलिखित में कौन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है? तो याद रखिए लोकसभा अध्यक्ष। इस बैठक को बुलाता है राष्ट्रपति, लेकिन इसकी बैठक की अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं 59वें क्वेश्चन की, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108(4) के अनुसार संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। लोकसभा के अध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा का उपाध्यक्ष करता है।
संयुक्त बैठक की पीठासीन होगा। इसकी अनुपस्थिति में उपसभापति अध्यक्ष होगा और उपसभापति की अनुपस्थिति में कोई ऐसा व्यक्ति पीठासीन होगा जिसमें बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा तय किया जाए। अब बात करते हैं 60वां क्वेश्चन, निम्नलिखित मंत्रालयों में से कौन नालंदा परियोजना किसका कार्यक्रम है? तो याद रखिए सी ऑप्शन है, अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय। नालंदा परियोजना अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का कार्यक्रम है। 61वां क्वेश्चन है हमारा, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग सकता है पत्र लिखकर? तो याद रखिए राष्ट्रपति को, बी ऑप्शन सही है। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश पद त्याग राष्ट्रपति को संबोधित कर एक पत्र के माध्यम से कर सकता है। 62वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस वाद में भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे की अवधारणा प्रतिपादित की गई थी? तो याद रखिए ये उपयुक्त में से कोई नहीं, डी ऑप्शन सही है। उपयुक्त में से किसी भी वाद में मूल ढांचे की व्याख्या नहीं की गई। सर्वप्रथम केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में भारतीय संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा प्रतिपादित की गई थी। सर्वप्रथम केशवानंद भारती बनाम केरल। अब हमारा 63 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई? तो याद रखिए डी ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत की गई थी। याद अब 64वां क्वेश्चन है, निर्वाचन आयुक्त हटाया जा सकता है? तो इसमें सी ऑप्शन सही है, मुख्य निर्वाचन आयोग के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद 324 से 329 में निर्वाचन से संबंधित उपबंध किया गया है। निर्वाचन आयोग का गठन मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त से किया जाता है जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। निर्वाचन आयुक्त मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है। 65वां क्वेश्चन है हमारा, किस राजनीतिक दल को क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है? यदि बी ऑप्शन सही, वह राज्य में या तो लोकसभा अथवा विधानसभा चुनाव में 6% वोट प्राप्त करता है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम लोग, किसी राजनीतिक दल को क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता प्रदान करने के लिए आवश्यक है कि वह राज्य में या तो लोकसभा अथवा विधानसभा में चुनाव में 6% वोट अथवा 2 सीटें प्राप्त करता है। बात करते हैं हम लोग 66वें क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित राज्यों के बनाने का सही कालानुक्रम की पहचान नीचे दी गई कूट से करना है? तो बी ऑप्शन इसमें सही है, पहले आंध्र प्रदेश, फिर अपना हरियाणा, फिर है हिमाचल प्रदेश, फिर सिक्किम। आंध्र प्रदेश 1953 में, हरियाणा 1966, हिमाचल प्रदेश 1971, सिक्किम 1975, पंजाब भी 1966 में बना। अब हम बात करते हैं 67वें क्वेश्चन की, अब हमारा 67वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक समिति पंचायत राज संस्था से संबंधित नहीं है? तो इसमें ए ऑप्शन PBN राव समिति, बाकी तीनों है LM सिंघवी समिति, ये पंचायती राज से संबंधित है। अशोक मेहता समिति ये भी है, बलवंत राय मेहता समिति ये भी पंचायती राज से संबंधित है। बलवंत मेहता समिति 1957 में आई, JVK राव समिति 1985, ML सिंधवी समिति 1986, अशोक मेहता समिति 1977, BN राव समिति का संबंध पंचायती राज व्यवस्था से नहीं है। अब बात करते हैं हम लोग 68वें क्वेश्चन की, कौन सा 68वां, ट्राइसेमिक कार्यक्रम है? तो याद रखिए ग्रामीण विकास का। अगस्त 1979 में ट्राइसेम योजना एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के रूप में प्रारंभ की गई। 1979 में ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की गई जिसे 1999 में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना में शामिल कर लिया गया। ज्ञातव्य है कि रोलिंग प्लान के अंतर्गत यह व्यवस्था की गई। 69वां क्वेश्चन, निर्धनता का सूचक
का दुष्चक्र की अवधारणा संबंधित है तो यह नक्रसे से अर्थशास्त्री रैगनर नक्रसे द्वारा विकसित पुस्तक प्रॉब्लम ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इन अंडर डेवलप्ड कंट्री में निर्धनता दुष्चक्र की अवधारणा का विवेचन किया। नक्रसे ने अपने निर्धनता दुष्चक्र को मुख्यतः तीन पक्षों में विभाजित किया, निर्धनता दुष्चक्र का आपूर्ति पक्ष, फिर है निर्धनता दुष्चक्र का मांग पक्ष, फिर है निर्धनता दुष्चक्र का बाजार वरीयता प्राप्त। 17वां क्वेश्चन है हमारा, योजना आयोग के अनुमानों के अनुसार वर्ष 2011-12 की निर्धनता रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले गरीब लोगों की सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य में थी? तो उत्तर प्रदेश में, सी ऑप्शन सही है। उत्तर प्रदेश में 598.19 लाख, बिहार में थी 358.15 लाख, महाराष्ट्र में 157.92 लाख, मध्य प्रदेश में 234.06 लाख। अब 71वां क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में कौन एक अंतरिम रेल बजट 2014-15 की विशेषता नहीं है? याद रखिए नहीं है पूछ रहा है। तो यात्रियों के किराए और माल भाड़े में कोई परिवर्तन, ये है 72 नई ट्रेनें प्रारंभ की जाएंगी जिसमें प्रीमियम ट्रेनें, एक्सप्रेस ट्रेनें और पैसेंजर ट्रेनें सम्मिलित होंगी, ये भी सही है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी सीग रेल मानचित्र पर होगी, याद रख, ये भी सही है। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश की सरकार ने अपने से संबंधित क्षेत्रों में अनेक रेल परियोजनाओं की कीमत तो में हिस्सा बटाने में सहमति व्यक्त की, ये गलत है, याद रखिए डी ऑप्शन है इसमें गलत। बात करते हैं हम लोग इसकी व्याख्या, उपयुक्त प्रश्न के ए बी सी विकल्प सही हैं किंतु डी विकल्प गलत है, क्योंकि उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश की सरकारों ने अपने से संबंधित क्षेत्रों में अनेक रेल परियोजनाओं की कीमतों में हिस्सा बटाने में सहमति व्यक्त नहीं की है। 72वां क्वेश्चन हमारा, केंद्र सरकार और राज्यों के मध्य आर्थिक संबंधों की विवेचना की गई है, तो याद रखिए बी ऑप्शन सही है, 268 से 281 के अंतर्गत। केंद्र सरकार तथा राज्यों के मध्य आर्थिक संबंधों की विवेचना अनुच्छेद 268 से 281 के अंतर्गत की गई है। अनुच्छेद 280 के में वित्त आयोग का प्रावधान है जो कि केंद्र राज्य आर्थिक संबंधों के निर्धारण हेतु एक महत्वपूर्ण एजेंसी है। यह कर राजस्व के केंद्र व राज्यों के मध्य बंटवारे की संतुष्टि करती है। इस प्रकार भाग 11 में अनुच्छेद 245 से 255 तक विधायी संबंधों का वर्णन है। अनुच्छेद 11 में ही 256 से 263 तक प्रशासनिक संबंधों का विवरण है। 73वां क्वेश्चन है, सरकारों के अनुमान के अनुसार 12वीं पंचवर्षीय योजना में आधारभूत संरचना के लिए आवश्यक निवेश का आकार है, तो याद रखिए डी ऑप्शन 1000 बिलियन। 12वीं पंचवर्षीय योजना में आधारभूत संरचना के लिए आवश्यक निवेश का आकार 1000 बिलियन होगा। बात करते हैं 74वें क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन भारत में राष्ट्रीय राज्य स्तर पर निर्धनता के अनुमानों के लिए केंद्र अभिकरण है, एजेंसी, नोडल एजेंसी है, तो याद रखिए योजना आयोग। भारत में राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर निर्धनता के अनुमानों के लिए केंद्रक अभिकरण योजना आयोग है। अब बात करते हैं हम लोग 75वां क्वेश्चन, कौन सा 75वां क्वेश्चन, विजन 2020 फॉर इंडिया दस्तावेज संबंधित है, तो याद रखिए गरीबी उन्मूलन से, डी ऑप्शन सही है। विजन 2020 फॉर इंडिया एसपी गुप्ता द्वारा प्रस्तावित दस्तावेज है जो भारत वर्ष में 2020 तक गरीबी उन्मूलन से संबंधित है। 76वां क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा घोषित एबीसी सूचकांक का संबंध है, तो याद रखिए स्वास्थ्य से, सी ऑप्शन सही है। एबीसी सूचकांक का संबंध स्वास्थ्य से है, इसका अर्थ है शिशुओं एवं बालकों की उपस्थिति सूचकांक है। इस सूचकांक के द्वारा उत्तरजीविका, टीकाकरण, पोषण, स्कूल जाने के 4 संकेतकों के औसत के आधार पर बच्चों के विकास का आकलन किया जाता है। चलिए अब हमारा है 77वां क्वेश्चन, इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड टॉपिक्स
स्थित है तो याद रखिए हैदराबाद में, डी ऑप्शन सही है। इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स हैदराबाद में स्थित है। 78वां क्वेश्चन है, गन्ना उत्पादन 2013 में राज्यों का सही अवरोही क्रम है, तो इसमें बी ऑप्शन सही है, उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, कर्नाटक, हरियाणा। भारत सरकार के कृषि मंत्रालय द्वारा जारी 2014-15 के आंकड़ों के अनुसार दिए गए विकल्पों का अवरोही क्रम निम्न होगा, पहले उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक, फिर हरियाणा। अब बात करते हैं 79वें क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विमल जलान पैनल गठित किया गया है, तो याद रखिए बी ऑप्शन सही है, नए बैंकों को लाइसेंस देने हेतु आवेदन पत्रों के सूक्ष्म परीक्षण के लिए। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर विमल जलान के नेतृत्व में नए बैंकों को लाइसेंस देने हेतु आवेदन पत्रों के सूक्ष्म परीक्षण के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया, जिसने 25 फरवरी 2014 को अपनी रिपोर्ट सौंपी। 80वां क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से सही सूची एक को सूची दो से सम्मिलित करना है, तो सूची एक है, यह है अपनी सूची दो, तो इसमें ए ऑप्शन सही है, खाद्य उत्पादन हरित क्रांति, दुग्ध उत्पादन श्वेत क्रांति, मत्स्य पालन नील क्रांति, उर्वरक भूरी क्रांति। खाद्य उत्पादन में बिद्री हरित क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है श्वेत क्रांति, और मत्स्य उत्पादन से संबंधित है नीली क्रांति, उर्वरक से संबंधित है भूरी क्रांति। 81वां क्वेश्चन है हमारा, 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि वानिकी एवं मत्स्य पालन में की वृद्धि दर अनुमानित है, तो याद रखिए 4%। 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि वानिकी एवं मत्स्य पालन की वृद्धि दर 4% पर अनुमानित है। अब बात करते हैं हम लोग 82वें क्वेश्चन की, तो उत्तर प्रदेश 2011-12 में राज्य घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान था, तो याद रखिए 24.5%। अब देख उत्तर प्रदेश में 2011-12 में राज्य घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान लगभग 24.5% था। यद्यपि लोक सेवा आयोग की आंसर की के अनुसार उत्तर प्रदेश में राज्य घरेलू उत्पाद कृषि का योगदान 14.5% है, जो कि असत्य है। 83वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष का सृजन किसके अधीन किया गया, तो याद रखिए नाबार्ड। इसकी बात करें तो जुलाई 1982 में कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु राष्ट्रीय बैंक के रूप में नाबार्ड की स्थापना की गई। यह कृषि कार्य हेतु कृषकों को वित्त उपलब्ध कराता है। 84वां क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 2011 में दुग्ध का सर्वाधिक उत्पादन निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ, तो याद रखिए उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में 22,556 टन और फिर है राजस्थान 13,512 टन, गुजरात में 9,817 टन, पंजाब में 9.55% अरे 1,000 टन। 85वां क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होती है, तो याद रखिए बी ऑप्शन सही है, व्यक्ति की ऊंचाई की आधी। किसी वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब समतल दर्पण में देखने के लिए समतल दर्पण की मोटाई कम से कम वस्तु की आधी होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, 86वां क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगें नहीं चल सकती हैं, तो याद रखिए निर्वात में, डी ऑप्शन सही है, ठोस द्रव गैसों में चल सकती हैं। ठोस द्रव गैसों में ध्वनि तरंगें चलती हैं क्योंकि ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की
आवश्यकता होती है, अर्थात किसी माध्यम में ध्वनि की चाल मुक्तता माध्यम का प्रत्यास्थता और घनत्व पर निर्भर करती है। निर्वात में इसलिए इसके इनके लिए माध्यम का अभाव होता है, अतः ध्वनि तरंगें निर्वात में नहीं चलती हैं। 87वां, एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? तो याद रखिए सौर सेल, बी ऑप्शन सही है। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत और सौर सेल है। सौर सेल सूर्य के प्रकाश के माध्यम से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। 88वां क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन एक विस्फोटक पदार्थ नहीं है? तो याद रखिए डी ऑप्शन सही है इसमें, नाइट्रोक्लोरोफार्म विस्फोटक पदार्थ नहीं है। ट्राई नाइट्रो टालुइन ये भी विस्फोटक पदार्थ है। डाई नाइट्रो ग्लिसरीन ये भी विस्फोटक पदार्थ है। साइक्लो ट्राइमेथिलीन ट्राई नाइट्रामीन ये भी विस्फोटक पदार्थ है। डी ऑप्शन गलत है, विस्फोटक पदार्थ नहीं है नाइट्रो क्लोरोफार्म, डी ऑप्शन है। दिए गए विकल्पों में नाइट्रो क्लोरोफार्म को छोड़कर अन्य सभी विस्फोटक पदार्थ हैं। ट्राई नाइट्रो ट्रालोइन TNT की विस्फोटक गति 69 मीटर सेकेंड है। साइक्लोट्राइमेथिलीन ट्राइनाइट्रामीन यह RDX का रासायनिक नाम है, इसे प्लास्टिक विस्फोटक भी कहा जाता है। इसे USA में साइक्लोनाइड तथा जर्मनी में हेक्सोजन और इटली में T4 के नाम से जाना जाता है। 89वां क्वेश्चन है हमारा, कौन सा 89वां क्वेश्चन है हमारा, स्लीप एपनिया एक भयंकर निद्रा दोष है जिसमें लोग निद्रा में बार बार थोड़ी देर के लिए श्वास बाधित होता रहता है। स्लीप एपनिया एक भयंकर निद्रा दोष है जिसमें निद्रा में बार बार थोड़ी थोड़ी देर के लिए श्वास बाधित होता है, जिसके कारण कभी कभी रोगी की मृत्यु भी हो जाती है। अगला है 90वां क्वेश्चन, सेरेब्रल पाल्सी एक मस्तिष्क संबंधी विकार है जो सामान्यतः पाया जाता है। तो याद रखिए छोटे बच्चों में, सी ऑप्शन सही है। सेरेब्रल पाल्सी एक मस्तिष्क संबंधी विकार है जो सामान्यतः छोटे बच्चों में पाया जाता है। यह एक प्रकार की मानसिक रोगग्रस्तता से संबंधित है। अब हमारा है 99वां क्वेश्चन, चलिए तो हमारा ये 91वां क्वेश्चन, स्त्रियों में रजोन्वृत्ति के पश्चात निम्न में से किस हार्मोन का उत्पादन होता है? तो याद रखिए यह प्रोजेस्टेगेरोन, कौन है? प्रोजेस्टेरोन। इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम लोग। पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पाया जाता है जो शुक्राणु के निर्माण तथा चलनशीलता के लिए आवश्यक होते हैं। इसकी कमी से नपुंसकता हो सकती है। महिलाओं में मुख्य हार्मोन एस्ट्रोजन है तथा प्रोजेस्टेरोन है जो मादा के द्वितीय लैंगिक अंगों के वृद्धि के लिए उत्तरदायी होते हैं। प्रोजेस्टेरोन गर्भावस्था के अवस्था के बाद महीनों में स्रावित होता है। स्त्रियों में रजोन्नति के बाद प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का उत्पादन समाप्त हो जाता है। 92वां क्वेश्चन हमारा, कोरोनरी धमनी बाईपास सर्जरी में जो रक्त वाहिकाएं ग्राफ्ट हेतु प्रयोग में लाई जाती हैं वह होती हैं? तो याद रखिए इनमें से कोई भी, डी ऑप्शन सही है। पांव से ली गई सिरा, फिर हस्त अपनी अग्रहस्त से ली गई सिरा,
फिर सीने या छाती के वक्ष स्थान से ली गई धमनी। इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम। कोरोनरी धमनी बाईपास सर्जरी में जो रक्त वाहिकाएं ग्राफ्ट हेतु प्रयोग में लाई जाती हैं वह सामान्यतः पैर, सीने या पेट और अग्र हाथ से ली जाती हैं। पैर से स्फेनस नस ली जाती है, सीने से इंटरनल मेमोरी आर्टरीज ली जाती है, अग्र हाथ से रियल आर्टरीज ली जाती है और पेट से गैस्ट्राई प्लोइक आर्टरीज ली जाती है। 93वां क्वेश्चन है हमारा। बायोलॉजिकल रिस्पेसिंग एक आधुनिक शल्य तकनीकी है जिसके द्वारा उपचार करते हैं, तो याद रखिए घुटने के जोड़ों का। बायोलॉजिकल रिस्पेसिंग घुटने के जोड़ों का उपचार करने की एक आधुनिक शल्य तकनीकी है। इसका विकास हुआ था 1980-90 के दशक में। 94वां क्वेश्चन है हमारा। अस्पताल के निम्नलिखित में से किस विभाग में कैथ लैब होती है, तो याद रखिए एक कार्डियोलॉजी विभाग। अस्पताल के कार्डियोलॉजी विभाग में कैथ लैब होती है। इस स्थान पर रोगियों की तत्व संबंधी बीमारी की जांच की जाती है। 95वां क्वेश्चन हमारा। सूची एक को सूची दो से सम्मिलित करना है। सूची एक अपनी है, सूची दो है। तो विटामिन बी ए ऑप्शन इसमें सही है, ठीक है। विटामिन बी कोबाल्ट, हीमोग्लोबिन तो ये लोहा, क्लोरोफिल तो याद रखिए ये है मैग्नीशियम, पीतल तांबा। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम लोग। विटामिन बी कोबाल्ट, हीमोग्लोबिन लोहा, क्लोरोफिल, मैग्नीशियम, पीतल तांबा। अब हमारा है 96वां क्वेश्चन। कुछ समुद्री जंतु कीट अंधेरे में अपने शरीर से विकास उत्पन्न करते हैं, इस परिघटना को कहते हैं, तो इसमें सी ऑप्शन सही है हमारा, फॉस्फोरेसेंस या बायोल्यूमिनेसेंस। इसकी व्याख्या देखते हैं हम लोग। कुछ समुद्री जंतु एवं कीट अंधेरे में अपने शरीर से प्रकाश उत्पन्न करते हैं, इस घटना को फॉस्फोरेसेंस कहते या बायोल्यूमिनेसेंस कहते हैं, बायोल्यूमिनेसेंस कहते हैं। 97वां क्वेश्चन है हमारा। बायो टेक्नोलॉजी पार्क अवस्थित है, बायो टेक्नोलॉजी पार्क अवस्थित है, तो याद रखिए लखनऊ में। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। बायो टेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना लखनऊ के सुदूर संवेदन उपयोग केंद्र के प्रांगण में स्वायत्त शासी संस्था के रूप में की गई जा रही है। इसका विकास बायो टेक्नोलॉजी विभाग भारत सरकार की सहायता से किया जा रहा है। यह एशिया का पहला और जबकि विश्व का दूसरा बायोटेक्नोलॉजी संस्थान होगा। अब है हमारा 98वां क्वेश्चन। पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए वनांतर्गत क्षेत्रफल होना चाहिए, तो याद रखिए 33% सी ऑप्शन सही है। इसकी व्याख्या देखते हैं। पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए वनों का न्यूनतम क्षेत्रफल 33% होना चाहिए। केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्री श्री हर्षवर्धन ने 12 फरवरी 2018 को भारत वन रिपोर्ट 2017 जारी की। वर्ष 2017 के आकलन के अनुसार भारत में कुल वन आवरण 7,08,273 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 21.54% है। उल्लेखनीय है कि सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले राज्य हैं मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो याद रखिए सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले राज्य हैं मध्य प्रदेश, दूसरे नंबर पे अरुणाचल प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़।
अब बात करते हैं 99वां क्वेश्चन हमारा। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है तो याद रखिए, सॉरी विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। इसकी व्याख्या देखते हैं। ओजोन क्षेत्र से उत्पन्न चिंता के परिप्रेक्ष्य में 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल में 33 देशों ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। ओजोन संरक्षण का यह प्रथम अंतर्राष्ट्रीय समझौता था। इसी सम्मेलन में यह तय किया गया कि 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाएगा। तो याद रखिए 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। अब है अपना 100वां क्वेश्चन। ग्रीन मफलर, क्या ग्रीन मफलर संबंधित है? तो याद रखिए ध्वनि प्रदूषण से, सी ऑप्शन से। इसकी व्याख्या देखते हैं। ग्रीन मफलर या ध्वनि प्रदूषण की समस्या से लड़ने हेतु एक युक्ति है। इसके माध्यम से ध्वनि प्रदूषण की तीव्रता को कुछ कुछ दूरियों पर वृक्ष लगाकर कम किया जाता है। अब हमारा 101वां क्वेश्चन। मैथेन गैस का उत्पादन करने वाला क्षेत्र है तो याद रखिए धान का खेत, बी ऑप्शन सही है। मैथेन गैस वायुमंडल के हरित गृह प्रभाव में वृद्धि करती है। धान के खेत, कोयले की खदानें, घरेलू पशु वातावरण में मैथेन उत्सर्जन के मानक स्रोत हैं, मानवीय स्रोत हैं, जबकि आदभूमि एवं समुद्री जलीय मैथेन उत्सर्जन के प्राकृतिक स्रोत हैं। प्राकृतिक स्रोतों से वैश्विक मैथेन उत्सर्जन का लगभग सर्वाधिक 76% भाग उत्सर्जित होता है। 102वां क्वेश्चन हमारा। नीरी स्थित है तो याद रखिए नागपुर में। नीरी राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग एवं अनुसंधान संस्थान ही संक्षिप्त रूप से नीरी, जिसकी स्थापना नागपुर महाराष्ट्र में की गई है। यह अनुसंधान केंद्र पर्यावरण तकनीकी व उनके उपयोग से संबंधित क्रियाओं से जुड़े तथ्यों की जांच करती है। अब हमारा है 103वां। निम्नलिखित वर्षों में कब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ? तो याद रखिए बी ऑप्शन सही है, 1986। 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ। इस अधिनियम के माध्यम से पर्यावरणीय मानकों के संबंध में विभिन्न नियमों का निर्माण किया गया है, जिससे कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में प्रगति हो सके। 104वां क्वेश्चन। भारत में जैव विविधता की दृष्टि से धनी स्थान रहा है? तो याद रखिए पश्चिमी घाट। किसी प्राकृतिक प्रदेश में पाई जाने वाली जंगली तथा पालतू जीव जंतुओं एवं पादपों की प्रजातियों की बहुलता को जैव विविधता कहते हैं। भारत में जैव विविधता की दृष्टि से संपन्न दो स्थल हैं, पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय। अब हमारा 105वां क्वेश्चन है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन एक द्वितीयक प्रदूषक नहीं है? तो याद रखिए सी ऑप्शन, सल्फर डाइऑक्साइड द्वितीयक प्रदूषक नहीं है। PAN है, स्मॉग भी है, ओजोन भी है द्वितीयक प्रदूषक में शामिल, लेकिन सल्फर डाइऑक्साइड नहीं है। ऐसे प्रदूषक जो प्रत्यक्ष प्रभाव डालते हैं प्राथमिक प्रदूषण कहलाते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड एक प्राथमिक प्रदूषण नहीं है, जबकि ओजोन, स्मॉग, PAN द्वितीयक प्रदूषण की श्रेणी में आते हैं। अब हम देखते हैं 106वां। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित पूछा है तो याद रखिए राजा जी राष्ट्रीय उद्यान हाथी के लिए है, ये सही है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान हंगोल, ये गलत है, बी। मानस राष्ट्रीय उद्यान हाथी के लिए है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान टाइगर। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान हाथियों के लिए प्रसिद्ध है, ना कि हंगोल के लिए। 107वां क्वेश्चन है हमारा। सूर्य से आने वाला हानिकारक परावैज्ञानिक विकिरण कारण हो सकता है? तो याद रखिए त्वचीय कैंसर का।
सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें यदि ओजोन परत की अनुपस्थिति में सीधे पृथ्वी पर आ जाएं तो विभिन्न प्रकार की व्याधियों को जन्म देती। इनमें त्वचीय कैंसर, जीन आधारित समस्याएं व अन्य जैविक बीमारियां का कारण बनेंगी। 108वां क्वेश्चन है, ओजोन बायोस्फीयर को बचाती है, तो याद रखिए अल्ट्रा वायलेट किरणों से। अब बात करते हैं हम लोग वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमारी पृथ्वी। तो अब हमारा 109वां क्वेश्चन है, ठीक है, जैव विघटित प्रदूषक हैं, तो याद रखिए वाहित जल, बी ऑप्शन सही है। जैव विघटित प्रदूषण का तात्पर्य ऐसे प्रदूषकों से है जिनका विघटन व वियोजन सूक्ष्म जीवाणुओं द्वारा किया जा सकता है, अतः प्रश्न विकल्पों में से वाहित मल ही एक ऐसा प्रदूषक है जो जैव विघटित है। अब 110वां क्वेश्चन है हमारा, भारत में अवस्थापित होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो याद रखिए कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत एशिया के प्रथम राष्ट्रीय उद्यान के रूप में 1936 में नैनीताल में गवर्नर हैली के नाम पर राष्ट्रीय उद्यान के नाम से स्थापित किया गया। स्वतंत्रता के बाद उसका नाम बदलकर राम गंगा नेशनल पार्क कर दिया गया और 1957 में इसका नाम महान प्रगति प्रेमी जिम कार्बेट के नाम पर रख दिया गया। 111वां क्वेश्चन है, जैव विविधता का अर्थ है, तो याद रखिए सी ऑप्शन सही है, एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतु। किसी प्राकृतिक प्रदेश में पाई जाने वाली जंगली तथा पालतू जीव जंतुओं एवं पादपों की प्रजातियों की बहुलता को जैव विविधता कहते हैं। 112वां क्वेश्चन है हमारा, सूची एक को सूची दो से सम्मिलित करना है, इसमें पार्क वन्यजीव अभ्यारण्य और ये राज्य हैं। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम लोग डायरेक्ट। तो दाचीगाम वन्यजीव अभ्यारण जम्मू कश्मीर में, केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण राजस्थान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान या पार्क मध्य प्रदेश, पेरियार वन्यजीव अभ्यारण केरल, ये ऑप्शन सही है। 113वां क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से सही में से कौन सही सम्मिलित है, तो याद रखिए सही सम्मिलित पूछ रहा है, इसमें सी सही है, सांडी वन्यजीव अभ्यारण हरदोई में है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं, बखीरा वन्यजीव अभ्यारण संत कबीर नगर, ओखला वन्यजीव अभ्यारण गौतम बुद्ध नगर, सांडी वन्यजीव अभ्यारण हरदोई, महावीर वन्यजीव अभ्यारण ललितपुर। 114वां क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन सही सम्मिलित नहीं है, यहाँ सही सम्मिलित पूछ रहा है, ठीक है, तो सुनहरे लंगूर हैं जो विलुप्त हुआ है, ये गलत है, ठीक है, मरुस्थलीय बिल्ली विलुप्त हुआ है, ये सही है, हुलॉक गिब्बन ये विलुप्त प्राय है, एशियाई जंगली कुत्ते ये असुरक्षित हैं। इसकी व्याख्या देखते हैं, सुनहरा लंगूर भारत के पश्चिमी असम त्रिपुरा भूटान के कुछ क्षेत्र में पाए जाते हैं, ये ऊंचे पेड़ों पर रहना पसंद करते हैं और सामान्यतः समूह में चलते हैं। IUCN ने से संकट उत्पन्न जीव माना, ना कि विलुप्त हुआ। 115वां क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन एक ऐसी किसी प्रजाति के विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं है, तो याद रखिए ये ऑप्शन व्यापक निष्क्रमता, और प्रजाति के विलोपन के लिए उत्तरदायी है बड़े आकार वाले शरीर, संकुचित निच, अनुवांशिक विभिन्नता। 116वां क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या है, तो याद रखिए 9। किसी को प्रभावित करने वाले कारक यथा मृदा प्रकार, वर्षा, तापमान, जल, मानव संसाधन आदि के आधार पर उत्तर प्रदेश 9 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। पहला है हमारा भावर तराई क्षेत्र, फिर है पश्चिमी मैदान, मध्य पश्चिमी मैदान, दक्षिण पश्चिमी समशुष्क
मैदान, मध्य मैदान, बुंदेलखंड प्रदेश, उत्तर पूर्वी मैदान, पूर्वी मैदान, विंध्य प्रदेश। अब बात करते हैं 117वां क्वेश्चन हमारा, कौन सा 117वां। होमी भाभा पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र में प्रदेश विशेष योगदान के लिए दिया जाता है? तो याद रखिए है नाभिकीय ऊर्जा। होमी भाभा पुरस्कार नाभिकीय ऊर्जा के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार भारत में परमाणु ऊर्जा के सूत्रधार होमी जहांगीर भाभा के नाम पर प्रारंभ किया गया। 118वां है, निम्नलिखित में से किसने मार्च 2014 में विश्व महिला स्क्वाश चैंपियनशिप जीती? तो याद रखिए हैं लॉरा मस्सारो। मार्च 2014 में लॉरा मस्सारो ने नूर अल शेरवानी को पराजित कर विश्व महिला स्क्वाश चैंपियनशिप जीती। 119वां क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित राज्यों में से किसने 13 फरवरी 2014 को लगातार छठवीं बार शून्य घाटी का बजट, जीरो डेफिसिट बजट प्रस्तुत किया? तो याद रखिए जम्मू कश्मीर, सी ऑप्शन सही है। 13 फरवरी 2014 को जम्मू कश्मीर के वित्त मंत्री अब्दुल रहीम राठर ने राज्य का बजट पेश किया। उल्लेखनीय है कि नेशनल कांग्रेस व कांग्रेस की सरकार ने लगातार छठवीं बार शून्य घाटे का बजट पेश किया। अब 120वां क्वेश्चन है हमारा, कौन सा 120वां। निम्नलिखित में से किस एक राज्य ने मार्च 2014 में अन्न श्री योजना का राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम में विलय करने का निर्णय लिया? तो याद रखिए दिल्ली सरकार, सी ऑप्शन सही है। दिल्ली ने मार्च 2014 में अन्न श्री योजना का राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम में विलय कर लिया है। अब बात करते हैं हम लोग 121वें क्वेश्चन की। 101वें भारतीय साइंस कांग्रेस का आयोजन 3 और 7 फरवरी 2014 के बीच हुआ है? तो याद रखिए जम्मू में। भारतीय विज्ञान कांग्रेस का 101वां अधिवेशन 3 से 7 फरवरी 2014 के मध्य जम्मू विश्वविद्यालय जम्मू एवं कश्मीर में आयोजित किया गया। इस समारोह का पहली बार जम्मू कश्मीर में आयोजन था, जिसके अध्यक्ष प्रोफेसर आर सी सोबती थे। वह हमारा 122वां, निम्नलिखित में किन 3 राज्यों के विधानसभाओं के चुनाव लोकसभा चुनाव 2014 के साथ संपन्न हुए? तो याद रखिए यह आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, सिक्किम। लोकसभा चुनाव 2014 के साथ साथ आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश राज्यों के विधानसभा चुनाव भी संपन्न हुए। 23वां क्वेश्चन है हमारा, फरवरी 2014 में देश के प्रथम पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक एटीएम का उद्घाटन हुआ है? तो याद रखिए चेन्नई में। अब बात करते हैं हम लोग इसकी व्याख्या देखते हैं। फरवरी 2014 में देश के प्रथम पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक एटीएम का उद्घाटन चेन्नई में हुआ है। 114वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर पद से 2014 मार्च में त्यागपत्र दे दिया? तो याद रखिए हैं केसी चक्रवर्ती। मार्च 2014 में रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के पद से त्यागपत्र देने वाले केसी चक्रवर्ती थे। तो याद 125वां क्वेश्चन है हमारा, विश्व आर्थिक मंच का 44वां वार्षिक अधिवेशन जो 22 जनवरी और 25 जनवरी 2014 के बीच स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित हुआ है, का विषय था? तो याद रखिए इसका विषय था द रेसेपिंग ऑफ द वर्ल्ड कॉन्सिक्वेंस फॉर सोसाइटी पॉलिटिक्स एंड बिजनेस। विश्व आर्थिक मंच का 44वां वार्षिक अधिवेशन जो 22 जनवरी से 25 जनवरी 2014 के बीच स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित हुआ है, का विषय है द रिसेपिंग ऑफ द वर्ल्ड कॉन्सिक्वेंस फॉर सोसाइटी पॉलिटिक्स एंड बिजनेस। अब हमारा 26वां क्वेश्चन है, दादा साहब फाल्के अवार्ड
2014 के विजेता गुलजार का वास्तविक नाम है तो याद रखिए संपूर्ण सिंह कलरा। वर्ष 2013 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 12 अप्रैल 2014 को सूचना प्रसारण मंत्रालय ने गीतकार गुलजार को देने की घोषणा की है। वह भारतीय सिनेमा जगत का सर्वोच्च पुरस्कार है। गुलजार जिनका मूल नाम है संपूर्ण सिंह कलरा। 127 है, निम्नलिखित में से भारत की किस एक जनजाति ने लोकसभा चुनाव 2014 में पहली बार मतदान किया तो याद रखिए सोमपेन, ये ऑप्शन सही है। अब इसमें हम बात करते हैं इसकी व्याख्या। भारत की सोमपेन जनजाति ने लोकसभा चुनाव 2014 में पहली बार मतदान किया। यह जनजाति अंडमान निकोबार द्वीप समूह में निवास करती है। अब हम बात करते हैं 128वें क्वेश्चन की। नरेंद्र मोदी दी मैन दी टाइम पुस्तक लिखी गई है तो याद रखिए नीलांजन मुखोपाध्याय द्वारा। नरेंद्र मोदी दी मैन दी टाइम्स नामक पुस्तक नीलांजन मुखोपाध्याय द्वारा लिखी गई है। 129 है, बोको हरम जो हाल ही में नाइजीरिया में संदर्भ में समाचारों में रहा है तो याद रखिए एक आतंकी संगठन है। बोको हरम नाइजीरिया में सक्रिय एक आतंकी संगठन है, तालिबान का एक सहयोगी संगठन है यह। 130वां क्वेश्चन हमारा। जून 2014 में भारतीय नौसेना में औपचारिक तौर पर किया सम्मिलित किया गया विशालतम युद्धपोत है तो याद रखिए INS विक्रमादित्य। इसकी व्याख्या देखते हैं। रूस के विमानवाहक के युद्धपोत एडमिरल घोष को भारतीय संस्करण INS विक्रमादित्य को 14 जून 2014 को भारतीय नौसेना में औपचारिक तौर पर सम्मिलित किया गया। इसे सर्वप्रथम बाकू नाम से रूसी नौसेना में शामिल किया गया था। 131वां क्वेश्चन है हमारा। निम्नलिखित देशों में किसमें महिला हॉकी विश्व कप 2014 जीता है तो याद रखिए नीदरलैंड, सी ऑप्शन सही। 31 मई से 14 जून 2014 को महिला हॉकी खिलाड़ियों का 13वां विश्व कप 2014 द हेग नीदरलैंड में संपन्न हुआ। जून में खेलते हुए गए फाइनल मैच में मेजबान नीदरलैंड ने ऑस्ट्रेलिया को 2-0 से पराजित किया। अब 132वां क्वेश्चन हमारा। 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के विषय में निम्नलिखित कथनों में कौन एक असत्य है तो याद डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 7वें वेतन आयोग के गठन का अनुमोदन 4 फरवरी 2014 को किया है, ये सही है। अशोक कुमार माथुर के चेयरमैन नियुक्त किए गए इसके, ये भी सही है। और 3 वर्षों में आयोग अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया है तो ये गलत है, ठीक है, सी ऑप्शन गलत है। 1 जनवरी 2016 से आयोग की संस्तुतियाँ लागू हो गई, ये सही है। तो ए बी डी सही है, सी गलत है। फरवरी 2014 में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश अशोक कुमार माथुर को केंद्रीय वेतन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। आयोग 2 वर्ष में, याद रखिए 2 वर्ष में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है। इसकी सिफारिश 1 जनवरी 2016 से लागू की जाएगी। 133वां क्वेश्चन हमारा। IPL 2014 के 7वें सीजन का फाइनल मैच निम्नलिखित में से किस शहरों में से कहाँ खेला गया तो याद रखिए बेंगलोर, ए ऑप्शन सही है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा विकसित 7वां IPL क्रिकेट टूर्नामेंट 16 अप्रैल से 1 जून 2014 के मध्य संयुक्त राज्य अमीरात एवं भारत में संपन्न हुआ है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने गौतम गंभीर की अगुवाई में जॉर्ज बेली की नेतृत्व वाली किंग्स 11 पंजाब को बंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेले गए फाइनल में 3 विकेट से पराजित कर दूसरी बार यह खिताब जीता है। अब बात करते हैं हम लोग 134वां। फीफा विश्व कप 2014 में कितने देशों ने भाग लिया तो याद रखिए 32, ए ऑप्शन सही है। 12 जून 2014 को फीफा फुटबॉल विश्व कप का प्रारंभ ब्राजील में हुआ। यह विश्व कप का 20वां संस्करण था। इस विश्व कप में 32 टीमों ने भाग लिया था। जर्मनी ने फाइनल मैच में अर्जेंटीना को 1-0 से हरा कर यह खिताब जीता था। 135वां क्वेश्चन हमारा।
आईएसआई जिसने जून 2014 में 1700 इराकी सैनिकों की को मौत के घाट उतार देने का दावा किया था, उसका पूरा नाम है तो याद रखिए इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, ये ऑप्शन सही है, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया। इराक में अप्रैल 2013 में अस्तित्व में आए चरमपंथी सुन्नी इस्लामिक संगठन इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया ने जून 2014 में 1700 इराकी सैनिकों को मौत के घाट उतारने का दावा किया। इस चरमपंथी संगठन का प्रमुख है अबू बकर अल बगदादी, जिसने लेवान क्षेत्र पर इराक में इस्लामिक राज्य कायम करने की घोषणा की है। अब बात करते हैं हम लोग 136वें क्वेश्चन, पाकिस्तानी आतंकवादी अब्दुल वालिद और रहीम फरीम जिन्हें 27 मार्च 2014 को गोरखपुर से में गिरफ्तार किया गया था, उनके गोरखपुर पहुंचने का मार्ग था तो याद रखिए कराची काठमांडू गोरखपुर, ये ऑप्शन सही है कराची काठमांडू गोरखपुर। पाकिस्तानी आतंकवादी अब्दुल वालिद और फहीम जिन्हें 27 मार्च 2014 को गोरखपुर में गिरफ्तार किया गया था, उनके गोरखपुर पहुँचने का मार्ग था काठमांडू से गोरखपुर। 137वां क्वेश्चन हमारा, 23 जनवरी 2014 को मुलक्कू की पार्लियामेंट द्वारा दंड संहिता के एक अनुच्छेद में किए गए संशोधन के विषय में निम्नलिखित में से कौन कथन सत्य है? तो इसमें ए ऑप्शन सही है, अल्पसंख्यक लड़की की बलात्कार को ट्रायल से बचने के लिए उसके साथ विवाह करना, इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम। तेईस जनवरी 2014 को मोरक्को की पार्लियामेंट द्वारा दंड संहिता के एक अनुच्छेद में अल्पसंख्यक लड़की के बलात्कार को ट्रायल में से बचने के लिए उसके साथ विवाह की अनुमति दी गई। 138वां में लंदन स्थित मानवाधिकार संगठन द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार निम्नलिखित देशों में कौन एक विश्व का सर्वाधिक फांसी देने वाला देश बन गया? तो याद रखिए चीन, सी ऑप्शन सही है। लंदन स्थित मानवाधिकार संगठन द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार विश्व का सर्वाधिक फांसी देने वाला देश चीन है, यद्यपि भी सूचित आंकड़ों के अनुसार सबसे अधिक फांसी की सजा देने वाला राष्ट्र ईरान है। 139 है हमारा, निम्नलिखित में से किसे 16वीं लोकसभा हेतु कार्यकारी अध्यक्ष प्रोटेम नियुक्त किया गया? तो बी ऑप्शन कमलनाथ। 16वीं लोकसभा के गठन हेतु 7 अप्रैल से 12 मई 2014 तक चुनाव संपन्न हुए। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 282 सर्वाधिक सीटें मिली, वहीं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को मात्र 44 सीटें मिली। 26 मई 2014 को भारत के 15वें प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने शपथ ली। छिंदवाड़ा से सांसद बने कमलनाथ को प्रोटेम स्पीकर के रूप में चुना गया, वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन। बात करते हैं हम लोग 140, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सरकारी तौर पर दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र को कब पोलियो मुक्त घोषित किया है? तो याद रखिए ये ऑप्शन 27 मार्च 2014। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा 27 मार्च 2014 को सरकारी तौर पर दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र को पोलियो मुक्त घोषित किया है। 141वां है, विश्व व्यापार संगठन के अध्यक्ष पास्कल लेमी का स्थान है लिया है अब तो यह रोबर्टो अजेवेडो ने, सी ऑप्शन सही है। सितंबर 2013 में विश्व व्यापार संगठन के अध्यक्ष पास्कल लेमी के स्थान ब्राजील के रोबर्टो अजेवेडो ने ग्रहण किया है। अब बात करते हैं 42वां क्वेश्चन, 142, फरवरी 2014 में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का आयोजन हुआ, तो याद रखिए जलंधर में, वी ऑप्शन सही। फरवरी 2014 में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला लुधियाना में आयोजित किया गया, हालांकि लोक सेवा आयोग द्वारा यूपी द्वारा इस प्रश्न का उत्तर विकल्प बी जलंधर दिया गया है। ठीक, लुधियाना इसमें ऑप्शन में नहीं है ना इसलिए। 143वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में गरीबी वाहिनी दरबार समाचार पत्र महिलाओं द्वारा और महिलाओं के लिए विकसित किया गया? तो याद रखिए मध्य प्रदेश है, डी ऑप्शन से। मध्य प्रदेश राज्य में वाहिनी दरबार समाचार पत्र महिलाओं द्वारा महिलाओं के लिए विकसित होता है। इस समाचार पत्र का विकासन
विकासन 2008 से किया जा रहा है। 144वां क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस एक को ग्रामीण पर्यटन परियोजना के क्रियान्वयन में सर्वोत्तम राज्य घोषित किया है? तो याद रखिए सिक्किम। भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा सिक्किम राज्य को ग्रामीण पर्यटन परियोजना के क्रियान्वयन में सर्वोत्तम राज्य घोषित किया गया है। 145वां क्वेश्चन है हमारा, विश्व विकास प्रतिवेदन 2010 की विषय वस्तु थी? तो याद रखिए बी ऑप्शन सही है, राष्ट्रों का वास्तविक धन मानव विकास के रास्ते। इसकी व्याख्या देखते हैं हम लोग। विश्व विकास प्रतिवेदन 2010 की विषय वस्तु से संबंधित कोई विकल्प सही नहीं है। विश्व विकास प्रतिवेदन 2010 की विषय वस्तु थी विकास और जलवायु परिवर्तन थी, जो कि विकल्पों में शामिल नहीं। यह भी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपनी आंसर की में इस प्रश्न का आंसर बी माना। तो याद रखिए इसमें थी विकास एवं जलवायु परिवर्तन थी। 140 देखते हैं हम लोग, हरा सूचकांक विकसित किया गया? तो याद रखिए विश्व बैंक द्वारा। अब विश्व बैंक ने कार्बन दक्षता पर के लिए हरा सूचकांक नामक एक पर्यावरण अनुकूल स्टॉक मार्केट इंडेक्स विकसित किया है। 147वां क्वेश्चन हमारा, कौन सा 147वां क्वेश्चन है हमारा, 2013 की, कौन सा 2013 की मानव रिपोर्ट के 2013 की मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार भारत में बहुआयामी गरीबी से ग्रसित लोगों का प्रतिशत है? तो याद रखिए बी ऑप्शन सही है इसमें, 53.7%। 2013 की मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार भारत में बहुआयामी गरीबी से ग्रसित लोगों का प्रतिशत 53.7% है। अद्यतन 2014 की मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार बहुआयामी गरीबी से ग्रसित लोगों का प्रतिशत भारत में 55.3% है। अब 78वां क्वेश्चन हमारा, 148वां सॉरी, सितंबर 2012 में विश्व बैंक के प्रमुख अर्थशास्त्री के रूप में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय बने हैं? तो याद रखिए हैं कौशिक बसु, सी ऑप्शन सही है। सितंबर 2012 में विश्व बैंक के प्रमुख अर्थशास्त्री के रूप में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय है कौशिक बसु। 149 एजेंडा 21 कितने समझौते हैं? तो याद रखिए 4। एजेंडा 21 का संबंध सतत विकास से है। इसके अंतर्गत कुल 4 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। एजेंडा 21 संबंध पृथ्वी सम्मेलन 1992 से है, जिसे पर्यावरण संरक्षण हेतु ब्राजील में आयोजित किया गया था। आयोग ने उत्तर पत्रिका में विकल्प बी 5 को सही माना है, किंतु संशोधित उत्तर पत्रिका में यह प्रश्न हटा दिया गया था। ठीक है, 4 है इसमें। अब लास्ट है हमारा 150वां, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है हम लोगों को। तो ये सूची हो गई, ये सूची 2 हो गई, अपने डी ऑप्शन है इसमें। ठीक है, मतलब सर्व शिक्षा अभियान 2001, साक्षरता भारत 2009, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1987। इसकी व्याख्या देख लेते हैं, इसी में सब अच्छे से पता चल जाएगा। सर्व शिक्षा अभियान 2001, साक्षर भारत 2009, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1988। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 87 में, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 88 में। चलिए, तो ये था दोस्तों 2014 का UPPCS प्रारंभिक परीक्षा का पहला पेपर। अगले लेक्चर में बात करेंगे हम लोग उत्तर प्रदेश PCS प्रीलिम्स परीक्षा 2015 का सामान्य अध्ययन का पेपर फर्स्ट।